प्रश्न संख्या 11 भी पहले प्रश्न की ही भांति है कि निम्नलिखित चार में से तीन निश्चित प्रकार से एक समान है और एक समूह बनाते हैं, वह कौन है जो समूह नहीं बनाता। ठीक है, तो इसको देख लें। प्रश्न संख्या 11 में तो पहले ए में क्या आया है, एन पी एम। ए में क्या आया, एन पी एम। ठीक है, तो एन से पी कैसे आएगा, एन होता है 14, ठीक है, और पी होता है 16। प्लस 2 कर देंगे, अगर एन में प्लस 2 कर दिया गया तो कितना आ गया, पी आ गया, और 16 और -3 कर दिया गया तो एम आ गया। ठीक है, तो +2 -3 ये हो रहा है। अब आर होता है 18 और टी होता है 20, यानी क्या किया गया है, +2। ठीक है, और टी होता है 20 और क्यू कितना होता है, क्यू होता है 17। यानी -3, तो +2 -3। इसमें देखें अगर, तो F कितना होता है, F होता है 6 और H होता है 8, यानी 2 जोड़ा गया है, और 5 होता है E, यानी 3 घटाया गया है। ठीक है, E से G का सफर देखें, तो E होता है 5 और G होता है 7, तो +2। ठीक है, और G होता है 7 और R कितना होता है, 18। 7 और 18 मतलब 11 जोड़ा गया है। क्या किया गया है यहाँ पे, 11 जोड़ा गया है, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप, +2 -3 +2 -3 +2 -3 ये चल रहा था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, +2 +11, और ये अलग है। तो डी इस तरीके से ग्रुप से संबंधित नहीं है, डी इसका सही उत्तर है 11वें का।